नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बिरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरा ढाब पंचायत भवन में अनुमंडल पत्रकार संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार सकलदेव पंडित तथा संचालन हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार शेखर सुमन ने किया। बैठक में पिछले दिनों भाजपा के मीडिया प्रभारी रंजीत राय तथा नारायण पांडे के दौरान रंजीत राय द्वारा पत्रकार धीरज शर्मा को गोली मारने की बात की गई, जिससे पत्रकार महकमे में भय व्याप्त है, जिसको लेकर अनुमंडल पत्रकार संघ द्वारा बैठक कर मामले को लेकर उचित कानूनी कार्रवाई करवाने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान अनुमंडल पत्रकार संघ के सचिव शेखर सुमन ने कहा कि एक तरफ भाजपा पार्टी सबका साथ सबका विकास तथा सबका विश्वास की बात करती है, दूसरी तरफ उसका मीडिया प्रभारी द्वारा खुलेआम रंगदारी मांगने तथा गोली मारने की धमकी दी जा रही है। बावजूद इसके पार्टी द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो चिंता का विषय है। सभा की अध्यक्षता कर रहे सकलदेव पंडित ने कहा कि किसी भी पार्टी के मीडिया प्रभारी का पार्टी के हर क्रियाकलापों में अहम भूमिका होती है। यदि उसके द्वारा इस तरह का आपराधिक घटना को अंजाम देने की बातें की जाती है, जो घोर निंदनीय है, यदि पार्टी इस पर उचित कार्रवाई करते हुए इसे पार्टी से निष्कासित नहीं करती है, तो पत्रकार संघ आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बैठक में सर्वसम्मति से मामले को लेकर बिरनी थाने में मामले की जांच कर कानूनी उचित कार्रवाई की मांग की गई। आवेदन के माध्यम से अनुमंडल पत्रकार संघ ने 4 दिनों के अंदर अगर कोई उचित पहल नहीं की गई तो अनुमंडल पत्रकार संघ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें यदि क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग होती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इधर बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने आवेदन लेकर मामले की जांच कर जल्द ही कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। भाजपा प्रखंड अध्यक्ष राजदेव साव ने कहा कि मीडिया प्रभारी द्वारा गोली मारने की धमकी देना निंदनीय है, जिसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। यदि इस संदर्भ में थाने में कोई आवेदन दिया गया हो तो मामला फिर कानून के हाथ है, उनके द्वारा ही उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस बैठक में अनुमंडल पत्रकार संघ के अध्यक्ष समेत दर्जनों पत्रकार उपस्थित थे। बीते बुधवार को एक ऑडियो प्राप्त हुई, जिसमें भाजपा नेता रंजीत राय और भाजपा नेता नारायण पांडे के द्वारा एक हमारी हत्या की साजिश रची जा रही है, जिसमें ये स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह मुश्तकीम अंसारी को कनपट्टी में गोली मारे थे, उस तरीके से हम इनका भी गोली मारेंगे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि मैंने आवेदन दिया, आपने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन समय के साथ आप दोनों आरोपियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बिरनी के हमारे साथी धीरज शर्मा पर गोली मारकर हत्या करने का साजिश रचे जाने का एक मामला प्रकाश में आया था। इस मामले में आप देख रहे होंगे कि भाजपा के मीडिया प्रभारी रंजीत राय और भाजपा नेता नारायण पांडे के द्वारा धीरज शर्मा को गोली मारने की साजिश रचा जा रहा था। इस मामले को लेकर बिरनी थाना में आवेदन दिया गया था, दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी को मांग कर लेकर हम लोग आज अनुमंडल संघ के द्वारा थाना प्रभारी से मिलते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का मांग किए हैं। अगर तत्काल पुलिस प्रशासन दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं करती है तो बाध्य होकर हम लोग 24 तारीख के बाद 25 तारीख को धरना प्रदर्शन पर बैठने पर विवश होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से मांग करना चाहता हूँ कि आपके मीडिया प्रभारी का जिस तरह से रवैया है, खुलेआम एक सभ्य पत्रकार को गोली मारने का धमकी दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी आज तक इस मामले में किसी तरह का कोई शुकबुहाट, यहाँ तक कि कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं कर रहा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से मांग करना चाहता हूँ कि अगर सच में आप सबके साथ सबका विकास की बात करते हो तो तत्काल मीडिया प्रभारी को हटाया जाए और भाजपा नेता नारायण पांडे पर कार्रवाई किया जाए। जिक्र है कि रंजीत राय कहता है कि हम गोली मार देंगे, और ये भाजपा के हमारे बगोदर विधानसभा के माननीय पूर्व विधायक नागेंद्र माथो से वीडियो के कथनानुसार हम बात कर रहे हैं, ऑडियो के कथनानुसार कि ऑडियो में जिस तरह से कहा गया है कि हमने विधायक जी को भी कह के सुन लिया है, लेकिन विधायक जी कहे कि पहले डेंगा के ही। दुख इस बात का है कि हम पत्रकार हैं, हम निरीह प्राणी हैं, हम खबर संकलन करते हैं, हम आम आवाम की आवाज़ बनते हैं, हर किसी के समस्या पर हम खड़ा होते हैं, चाहे वह बड़ा पत्रकार हो या छोटा पत्रकार, और उनके आवाज़ को हम अपने पटल पर रख कर उन्हें न्याय दिलाने की भरपूर प्रयास करते हैं। लेकिन आप देख जा रहे हैं कि जब जब पत्रकारों पर हमला हुआ है, हाँ तो पत्रकारों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है।
जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, तमाम राजनीतिक दल की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों के जुबान पर ताला लग जाता है। ये कटु सत्य है। अब आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ खड़ा हैं, हम पत्रकार भाई लोग किस जगह पे खड़ा है, किसको हम हितैषी मान रहे हैं, हम किनको नेता बना रहे हैं, ये आपको तय करना है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि जब धीरज शर्मा के ऊपर में गोली मारने की बात आई सामने, तो सबसे पहले मैं शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। भाई साहब, आपके मीडिया प्रभारी ने एक पत्रकार को गोली मारने का धमकी दे रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी कदावर नेता, चाहे बिरनी का हो, सरिया का हो, बगोदर का हो, कोई भी राजनीतिक दल के द्वारा आ तो भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं द्वारा एक प्रतिक्रिया तक नहीं आया है कि भाई दिल्ली के मीडिया प्रभारी रंजीत राय ने जो गोली मारने की बात कही है, जो धमकी दिया है, वह सरासर गलत है, मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं। इससे साफ जाहिर होता है कि रंजीत राय को भारतीय जनता पार्टी श्रेय दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी श्रेय नहीं देता तो आज दो तीन दिन के अंदर में, ठीक है मानते हैं आप गोली में व्यस्त थे, लेकिन भाई आपका प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रहा है? अगर प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है तो इसे यह मान लेना होगा कि यह गोली मारने का जो षड्यंत्र रचा गया है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडर शामिल हैं। रिटाइम न्यूज के लिए बिरनी से टिंकू राय की रिपोर्ट।